महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में पिछले सप्ताह वीरवार को उन्हानी के पास हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा के निर्देशानुसार डीएसपी मोहिंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित सीआईए महेंद्रगढ़ और थाना शहर कनीना की पुलिस टीमें फरार आरोपितों को पकड़ने में जुटी हुई थी। गठित टीम ने जीएल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन राजेंद्र निवासी कनीना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपित हादसे के बाद फरार हो गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए छुप गया था। आरोपित को पकड़ने के लिए टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थीं। आरोपित को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करते हुए टीमों ने आज आरोपित को रेवाड़ी के गांव बउवा से पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा आरोपित से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पुलिस द्वारा 7 आरोपी बस चालक धर्मेंद्रवासी सहलंग, स्कूल प्रिंसिपल दीप्तिवासी कनीना, होशियार सिंहवासी कनीना, स्कूल के सचिव और सहलंग के रहने वाले बस चालक के 4 साथी निट्टू उर्फ हरीश, संदीप, भूदेव और नरेश उर्फ कालिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। स्कूल बस चालक ने शराब का सेवन किया हुआ था। शराब के नशे में चालक बस चला रहा था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच करते हुए पता लगाया कि बस चालक ने सहलंग में बस में अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी थी। पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा के दिशा निर्देशों में मामले में कार्रवाई के लिए डीएसपी कनीना के नेतृत्व में सीआईए महेंद्रगढ़ थाना शहर कनीना की टीमों का गठन किया गया। एसपी के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा मामले में तत्परता से कार्रवाई की गई। टीम द्वारा मामले में अब तक 7 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। टीम ने बस चालक धर्मेंद्र का लाइसेंस रद्द कराने के लिए आरटीए विभाग को लिखकर भेज दिया है। साथ ही स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल सचिव से पूछताछ में संबंधित कागजात बरामद कर जब्त किए हैं।